नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या, मेरी किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं आज की डिश। तो चलिए आज सूजी से एक बढ़िया सा नाश्ता बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कटोरी सूजी ली है और उतनी मैंने दही ली है। सूजी को एक बाउल में डाल लेते हैं। सूजी पतली हो या मोटी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस डिश में। और उतनी ही हम दही ले लेते हैं, ये देखिए, और इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे। टेस्ट के अनुसार लें आप। मैंने यहाँ पर आधी चम्मच नमक लिया है, मैंने सेंधा नमक डाला है, आप चाहे कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसे मिक्स करूँगी और इसमें थोड़ा पानी डालकर हम मिक्स करेंगे। बहुत टेस्टी लगता है ये सूजी का नाश्ता। थोड़ा पानी हम और डाल लेते हैं। ये इस तरीके का घोल हमें चाहिए। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में थोड़ा पानी यूज करेंगे। तो अब आगे का काम शुरू करते हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए स्टफिंग के लिए आलू। तो पहले हम आलू की स्टफिंग के लिए आलू बना लेते हैं। गैस पे पैन रख दिया, उसको गर्म कर लेते हैं। मैं इसमें एक चम्मच रिफाइंड डाल लेती हूँ। और जो हमने आलू लिए थे हम उनको ग्रेट कर लेते हैं, यानी कद्दूकस कर लेते हैं। पैन गर्म है, इसमें थोड़ी सी राई डालते हैं। थोड़ा सा हींग डालते हैं, चुटकी भर। हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे। हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डाल करके थोड़ा सा भूनेंगे। राई चटकने लगी है, इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ और थोड़ी सी लाल कलर वाली मिर्च और अपने आलू। आलू हमें ग्रेट करके ही लेने हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पानी ले लेती हूँ, हमें थोड़ा सा पतला ही बनाना है आलू को। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ मैं इसमें। और इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा। वन फोर्थ चम्मच छोटे वाले, एक चौथाई चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया। आप अपने स्वाद के अनुसार डालें जितना आप बना रहे हैं। मैंने ये दो आलू से बनाया है। थोड़ा सा पानी हम इसमें और डाल देते हैं। और 1/4 चम्मच ही मैं इसमें गरम मसाला डाल देती हूँ। और
कुछ धनिए की पत्तियां डाल देते हैं। आलू हमारे बन करके तैयार हैं और मैं गैस बंद कर देती हूँ। इस तरीके का पेस्ट हमें आलू का चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं करना है हमें। और अब मैं अपनी गैस पे रख लेती हूँ स्टीमर, यानी कि हम भिगोने में इसे बनाएंगे, मैं स्टीमर यूज नहीं कर रही हूँ। तो जो हमने सूजी घोली थी अब हम उसको चेक कर लेते हैं, तब तक हमारा गर्म पानी हो जाएगा ये भाप के लिए। सूजी थोड़ी सी टाइट हो गई है, हम इसमें थोड़ा सा इनो मिला लेते हैं और थोड़ा सा 1-2 चम्मच इसमें पानी यूज करेंगे। थोड़ा सा हम पानी डाल लेते हैं 1-2 चम्मच और इसको मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ा सा इसमें हम धनिया पाउडर यूज करेंगे। अच्छे से मिक्स कर ले। तो मैं इस बर्तन में इसको बनाऊंगी, तो मैं इसे ग्रीस कर लेती हूँ। पानी हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इस पेस्ट को इसमें डालती हूँ। हमें ज़्यादा नहीं डालना है ये पेस्ट, थोड़ा सा ही हमें इसमें पेस्ट करना है, बस इतना। मैं इसको स्टीपर में रख देती हूँ और इसको डाल देती हूँ। 5 मिनट के लिए मुझे इसको कुक करना है, उसके बाद मैं बताऊँगी क्या करना है। धीमी आंच पे इसे कुक करेंगे, मीडियम लो फ्लेम। और अब हम इसे निकाल लेते हैं। हल्का सा इसको ठंडा होने देते हैं। और अब हम इस पर थोड़ा सा सॉस लगा लेते हैं। धनिया पत्तियां डाल लेते हैं थोड़ी सी, अगर आपके पास चिली फ्लेक्स हो तो आप चिली फ्लेक्स यूज कर सकते हैं। अब जो हमने आलू बनाए थे उनको स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर। आलू लगाते हैं हम, जो हमने आलू का पेस्ट बनाया था अच्छे से फैला देंगे। और जो हमारी सूजी बची हुई थी वो हम इसके ऊपर से डाल देंगे। अच्छे से फैला कर डालेंगे। और मैं यहाँ कुछ चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ इसके ऊपर। और कुछ ओरिगैनो डाल देती हूँ, इससे और भी टेस्टी हो जाएगा। और इसको वापस भाप रखने करने के लिए रख देती हूँ, भाप के लिए वापस रख देती हूँ। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। इसको चेक कर लेते हैं,
10 मिनट हो चुके हैं, ये अब नहीं चिपक रहा है तो ये तैयार है, हम इसको ठंडा होने के लिए रख लेते हैं। तो चलिए इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं, ये हमारा सूजी का टोकला तैयार है। तो काट लेते हैं, पीसेस में ठंडा हो चुका है। मैंने इसको काट लिया है, ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरीके से सूजी का नाश्ता बनकर के तैयार है। आप इसे बनाएं और बताएं मेरी वीडियो कैसे बनी है। और आप इसमें सॉस की जगह ग्रीन चटनी भी यूज कर सकते हैं। और जो आप इसमें तेल यूज करें तो रिफाइंड यूज करें, नहीं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।